स्मरणीय परम श्रद्धेय आचार्य सद्गुरु स्वामी देवराज महाराज वे अपने जीवन की अनुभूति में बतलाते हैं तो भगवान की प्रसन्नता किस प्रकार होती है और इन शब्दों में बहुत कुछ महाराज ने सोचा और समझा। अर्जुन के द्वारा पूछे जाने पर भगवान कहते, अर्जुन तू मेरा भक्त है, भक्तों से मैं सका चेती, शिष्य नहीं भक्त हो। और अर्जुन ने कहा था शिष्य से मैं आपका शिष्य हूं, तो भगवान ने कहा ऐसा नहीं, तू मेरा भक्त है, भक्तों से मैं सका चेती। तो सब बातों को मिलाकर के यही हमें क्या चाहिए, शांति। अब मन को शांति मिलती क्यों नहीं, अब हम देख
देखने का प्रयास करेंगे प्रकृति में जितने जीव जंतु है, चींटी पतंग इत्यादि रात दिन चलते रहते हैं या नहीं, उनको क्या काम है? दिन भर रात भर चलते रहते हैं और हम भी चलते रहते हैं। अर्थात भगवान के शब्दों में जिसमें प्राण है उसमें क्या कहते हैं, हलचल होगी, जिसमें प्राण है और प्राण गए तो शांति ही शांति। अब वह आएगी कैसे? जब तक प्राण छूटे तब तक तो अशांति रहेगी और प्राण छूटने के पश्चात अशांति मिलेगी, लेकिन कैसी मिलेगी, किस प्रकार मिलेगी, ये हम यही चाहते हैं। तो गुरु महाराज ने लिखा, भगवान प्रसन्न होता है न पाठ पे, न यज्ञ पे, न दान पे, न पुण्य पे, किसी भी सत्कर्म से शुभ कर्म के द्वारा प्राप्त। यह गुण साधन ते नहीं हो, किसके अधीन हो गए? भगवान के शब्दों में अर्जुन, जब तक मनुष्य माया से तैरा नहीं जा सकता तब तक शांति नहीं। और माया क्या है? वो मेरी माया है, उससे तैरना कठिन है। अब स्वयं कह रहा है कठिन है, माया मेरी है तो कैसे तैरा जाए? तो कहते हैं जो मेरी शरण में आता है। अब अर्जुन तो शरण में था ही, तो फिर माया का प्रभाव कैसा था उन पर? सुन तो लिया हमने, पढ़ भी लिया, लेकिन महाराज ने इन बातों का अनुभव किया अर्जुन पे, माया का प्रभाव कैसा था जो अर्जुन को ऐसे शब्द बोलने पड़े और भगवान को उत्तर देना पड़ा। तो मेरी माया कठिन है, दुस्तर है, और जो कोई मेरी शरण में आता है वह पार हो जाता है, लेकिन जो नहीं आता वो नहीं पार होता। तो अर्जुन तो शरण था ही, तो फिर उसको किस माया ने दबोच लिया था? कौन से माया से तो बच गया था ना? इतिहास पढ़ेंगे तो अर्जुन ने स्वर्ग लोक में इंद्र के यहाँ थे तब माया से बच गए। और जिसने शिवजी के साथ से युद्ध किया है, अब उसको किस माया ने दबोच लिया था? तो जब तक माया रहती है तब तक शांति नहीं। माया कैसे जाएगी? खित जल पावक गगन समीरा, खित जल पावक गगन समीरा, पांच रचित यह अधम शरीरा, पांच रचित यह अधम शरीरा, तुम कहे लगे हो जीवन, तुम कहे लगे हो
सुना जाता है, जीव अविनाशी नित्य स्थाणु अचल और शरीर नाशवान। अब नाशवान के द्वारा अविनाशी तत्व कैसे पाया जा सकता है? बिना शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी, तो विनाशी के द्वारा अविनाशी कैसे पाया जाएगा? भगवान राम कहते हैं तारा से कि ये तो शरीर अधम पांच तत्वों का रचा हुआ नाशवान है, और जीव नित्य हमेशा रहने वाला, उसमें कोई अंतर नहीं आता, कोई कमी बेशी नहीं आती, घटता बढ़ता नहीं। तो अविनाशी तत्व विनाशी तत्व के द्वारा पाया जाना आश्चर्य की बात है, कैसे पाएंगे उसे? और रोता शरीर है या आत्मा? रोता शरीर है या आत्मा? और बहरा शरीर होता है या आत्मा? डॉक्टर के पास जाएंगे ये सुनता नहीं, तो डॉक्टर इलाज दवाई शरीर के करे, शरीर की होगी या आत्मा की? तो देखा जाए तो गूंगा बहरा जो कुछ लंगड़ा इत्यादि शरीर होता है, न कि आत्मा होता है। लेकिन हमें प्रमाण क्या है शरीर आत्मा नहीं होता? शरीर ही लंगड़ा होता है, गूंगा होता है, बहरा होता है, आत्मा नहीं होता। तो हमें आत्मा नहीं होता ऐसा प्रमाण क्या है मेरे हमारे पास? शरीर का तो है लेकिन आत्मा नहीं होता इसका प्रमाण? देखो नैन खोल के ओ, देखो नैन खोल के, बाबा देखो नैन खोल के ओ, देखो नैन खोल के, तुम अद्भुत ही शब को समझाने का प्रयास कर रहे। देख लो तू है कौन, अद्भुत आश्चर्य है ना। पांच तत्व का ना तन तेरा ना अंग ना आकाराय, पांच तत्व का ना तन तेरा ना अंग ना से बना शरीर तुम्हारा नहीं,
तो किसका है? ये शरीर मेरा नहीं तो किसका? चोरी में पकड़ा जाऊं तो पुलिस से किसको पकड़ेगी? हरिदास को नहीं पकड़ेगी, किसको पकड़ेगी? चोर कौन? चोर का आकार कैसा होता है? चोर कभी देखा है कैसा होता है? चोर देखा है कभी? हाँ, हमारे जैसा होता है या कुछ और होता है? हाँ, हमारे जैसा होता है। तो पुलिस पकड़ेगी चोर को, चोर का नाम ऐसे पकड़ लेगी? पुलिस चोर को पकड़े के नाम हरिदास तो पकड़ ले जाएगी या तो कैसे पकड़ेगी? हाँ, चोरी की है, नाम हरिदास है तो पुलिस पकड़ेगी? हाँ, हरिदास के कई नाम होते हैं, सरनेम पीछे होनी चाहिए बात उसके बारे में, अगर नहीं तो पकड़ेगी? कई नाम होते हैं, बहुत सारे लोग ही होते हैं ना। तो शरीर नाशवान पांच तत्व से बना हुआ, पहले नहीं था, अव्यक्ताधीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अर्जुन, ये सब कुछ पहले नहीं था। ये जो मंडप है यहाँ पे बैठे हैं अभी, सवेरे 6 बजे कोई था यहाँ पे, 7 बजे कोई था, खाली पड़ा था, तो हम सभी इतने कहाँ थे? अभी जो प्रकट हो गए ना, जाहिर हो गए, तो हम सभी लोग कहाँ पर थे? अव्यक्त थे, कहाँ पर? अर्थ में छुपे हुए, अव्यक्ता अर्थ होता है, मतलब होता है छुपे हुए, लेकिन कहाँ छुपे हुए थे? अपने अपने घर में। और फिर समय आया, प्रकट हो गए, और फिर सत्संग समाप्त होगा, फिर अव्यक्त हो जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे? ये मंडप फिर खाली पड़ा रहेगा, हम लोग कहाँ चले जाएंगे? छुप जाएंगे। कहाँ छुप जाएंगे? अपने अपने घरों में, अपने अपने व्यापार धंधे में। तो अर्जुन ये सब पहले था, लेकिन अव्यक्त छुपा हुआ था, और प्रकट हो गए, और उसी जो ये कृष्ण की भाषा है, इसको हमारे पूर्वजों ने बतलाया, बहरी में अन्न पोए बन कानों पन विचामी तो निकरी। जो किसान होते हैं ना, खेतिहर, तो बीज डालते हैं ना पहले, तो क्या होता है, बीज बदल के सलाह हो जाता है, पेड़ निकलना, पौधा आ जाता है, और फिर नाज से मर जाता है, फिर काट करके फिर वो घास निकल जाता है, और फिर भी अन्न, पहले भी अन्न था और बाद में अनाज, बीच में घास जो है वो समाप्त हो गया। तो पहले हम थे, लेकिन कहाँ? छुपे हुए, और अब प्रकट हो गए, और सत्संग के पश्चात फिर छुप जाएंगे। तो हम थे, हैं और होंगे, लेकिन प्रमाण बाहरी वस्तु को देकर प्रमाण दिए जाते हैं, वस्तु स्थिति कुछ और है। जिसे वेदों ने भी कह दिया, नेति नेति, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, हमने बतलाया तो सही, लेकिन वैसी बात नहीं है। अब उसको पहुंचने कैसे पहुंचा जाएगा? जब भक्ति ना करेंगे। भक्ति किसकी करें? गुरु की करें, माता पिता की करें, संतों की भक्ति करें, अवतारों की भक्ति करें, देवी देवताओं की करें, तीर्थों की भक्ति करें, किसकी करें? प्रातः काल उठ गए रघुनाथ, पिता गुरु नाम है ना, माता पिता गुरु नाम है माता। तो हमारे पूर्वज थे ना, वो रास्ते बतलाते हैं,
जैसे हमें जाना हो चंडीदेव पर, चंडीदेव देखा है, जिसे देखा होगा, तो बीच में गंगा जी आती है तो कैसे जाएंगे, पुल से जाएंगे या किस प्रकार जाएंगे? अगर सोचे ये पुल तो सरकार की बनाई, हम खुद अपनी बनाए, तो कब बनेंगे, कब पहुंचेंगे? ये पुलिया जो है ना, वो तो सरकार की बनी हुई है, हम इससे नहीं जाएंगे, अपनी बनाएंगे, तो कब बनेगी, कब जाएंगे? तो धर्म से तत्व निहितम गुहाया महाजनो ये न गत सपन था, जिस रास्ते पर आपके पूर्वज चले हैं वह रास्ता ले, तो जो पुल पहले बना उसे जाओ, जल्दी पहुंच जाओगे, अपनी बनाओगे तो कब पहुंचोगे, तुम्हारा शरीर समाप्त हो जाए कब पहुंचोगे? तो सीढ़ियां बनी हुई है, वो है प्रधान भक्ति, भक्ति योग ज्ञान और तपस्या और क्या कहते हैं सत्य धर्म, सभी ओत प्रोत है, अलग कुछ नहीं। योग के साधन में आते हैं ना, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः, सत्य आ गया। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, अजम निगम सुपान बताना, अजम निगम सुरान बताना। सत्य और धर्म में अंतर नहीं, और राम और धर्म में अंतर नहीं। रामो विग्रहवान धर्मः, कृष्णो विग्रहवान धर्मः। राम साक्षात धर्म की मूर्ति है, और कृष्ण साक्षात, और कृष्ण की घोषणा कैसी है, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म का नाश होता है तब तब मैं, और तो धर्म का रूप है कृष्ण, तो कृष्ण का नाश होता है क्या? या किसी ने धर्म को गलियों बाजारों में पिटता हुआ देखा, धर्म मार खा रहा है, जब जब धर्म का नाश होता तभी आता हूँ, अर्थात धर्म में पर एक चोट लगती हुई किसी ने देखी, धर्म ने मार खाई किसी ने देखा, तो घोषणा कैसी होगी मेरे, जब जब धर्म का नाश होता तब तब मैं आता हूँ, तो धर्म को मार खाता हुआ किसने देखा है कभी? तो किस धर्म की रक्षा की थी? तो शब्द में कहते हैं परित्राय साधु राम बिना साध दुष्कृता, साधुओं की रक्षा था साधु धर्म रूप है या नहीं, साधुओं की रक्षा मैंने साधुओं को के ऊपर मार पड़ी थी, तो महाभारत में देखा कभी किसी साधु को मारा गया था? इतने महाभारत पढ़ा नहीं तो देखा तो होगा, तो किसी साधु पर मार पड़ी थी जिसको बचाने के लिए आए थे, है कोई? तो फिर भगवान की घोषणा कैसे जाएगी, मिथ्या हो जाएगी ना। जब 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 हो धर्म जब जब हो धर्म की हानी, बारह का सुर अधम अभिमानी, बारह का सुर अधम अभिमानी, जब जब धर्म का हानि होती नाश होता है तो धर्म को मार खाता हुआ किसी ने देखा, महाभारत पूरा देख लिया ना,
तो किसने देखा कि साधु को, तो किस साधु को बचाने आया था भगवान? गुरु महाराज सोच रहे जो अवतार हो गए ना, जो महापुरुष हो गए, उनका जीवन अजीब सा होता है। महलये मकाना दुनिया का खजाना, 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 सभी छोड़ जाना, सभी छोड़ जाना, सभी छोड़ जाना पड़ेगा पसारा, सभी छोड़ जाना पड़ेगा प्यारा, सुनो प्यारा। महाराज जी सोच रहे मैं जो इतना बनाए जा रहा हूं आश्रम, क्यों? जब ये हम सभी को छोड़ के जाना ही पड़ेगा, ये तो अभी सभी जानते हैं ना, सब कुछ यहां धरा रहेगा, हम चल बसेंगे। तो महाराज जी सोच रहे जब ऐसी बात है तो क्यों बनाऊं, जब साधारण साधारण व्यक्ति भी जानता है कि मुझे यहां से जाना पड़ेगा। तो फिर महाराज ने गहराई में जाने का प्रयास किया। जब हम सभी को मालूम है, संतों महात्माओं को मालूम है, तो क्या कृष्ण भगवान को मालूम नहीं था कि मुझे भी जाना है? वो खुद कहते अशाश्वतम दुखालयम अशाश्वतम नाशवान है, तो उन्हें भी मालूम था। फिर द्वारका क्यों बनवाई, सोने की नगरी क्यों बनाई? जब मालूम है जाना ही पड़ेगा, तो जब हम सभी को मालूम है तो कृष्ण भगवान को मालूम था या नहीं था, तो फिर क्यों बनवाई? महाराज जी बहुत गहरे में गए, जाने गए। जो भक्ति साधारण नहीं होती ना, भक्ति कब होती है? जब उनकी परीक्षा ली जाए, जिसका भक्त बनना है, जिसका भक्त बनना है उसकी परीक्षा। लेकिन परीक्षा कौन लेता है? बच्चे पढ़ते हैं तो उनकी परीक्षा कौन लेने आता है? बच्चे लेते हैं या दूसरा कोई? तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो शिष्य जिज्ञासु गुरु की या जिसमें उनका विश्वास हो कि परीक्षा ले या ना ले, तो कई बातें ऐसी है हमारे जीवन में आने वाली जो महापुरुषों के द्वारा बतलाई गई थी। महाराज जी उस पर बहुत कुछ कह रहे हैं, सोच रहे हैं, और अंदर ही अंदर अपने हृदय में इन बातों का गहराई से विचार कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, कैसे मैं क्या हूं, शरीर हूं या आत्मा हूं, आत्मा आत्मा जड़ है या चेतन? हाँ, चेतन का अर्थ बोलना, ये तो बोल रहा है कि नहीं, ये भी बोल रहा है ना, रेडियो बोल रहा है, टेप रिकॉर्ड बोल रहा है, टीवी बोल रही है, और चलना तो कार चल रही है, गाड़ी चल रही है, हवाई जहाज चल रहा है। तो कार को चलाने वाला कौन है? हाँ, पेट्रोल नहीं तो फिर कैसे चलेगी? ड्राइवर करेगा क्या जब पेट्रोल नहीं उसमें, तो क्या करेगा? तो चलाने वाला कौन है? पेट्रोल जड़ है या चेतन? पेट्रोल जो है वो जड़ है या चेतन? तो जड़ जड़ को चला रहा है ना, नहीं? और जितनी मशीनें हैं, जय जय देव राम स्वामी, कृपा करो प्रभु।